नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप कर्ण पिशाचिनी विद्या सीखना चाहें तो किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की कुछ बातें आप जानना चाहें तो कर्ण पिशाचिनी के कुछ दिव्य मंत्र हैं, उनको आप जप लीजिए। कर्ण पिशाचिनी आपको किसी भी व्यक्ति की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जो ज्ञान है, जो घटनाएं हैं, वह बता देगी। आप उसे किसी पर्चे पर उतार सकते हो या सामने वाले को मौखिक बता सकते हो। वह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बताते हो। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के लिए कठिन परिश्रम करना होता है। उस पारलौकिक शक्ति, उस पारलौकिक पिशाच शक्ति को मंत्र बल से अपने अधीन करना होता है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि दो प्रकार से की जाती है, एक अघोर मार्ग से। अघोर मार्ग से करोगे तो जल्दी फलीभूत होगी, लेकिन यह विद्या बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई पिशाच आएगा तो उसकी जैसी प्रवृत्ति रहेगी आपको वैसा बना देगा। जैसे वो दारू पीता है कोई व्यक्ति तो मरा, वो पिशाच योनि में गया। तो अगर आपने सामूहिक मंत्र का जप किया, देखिए विद्या क्या होती है, एक मंत्र के विषय में समझिए। एक मंत्र होता है किसी व्यक्तिगत विशेष मंत्र, जैसे आप मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम मनोज मिश्रा है, तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ही आऊँगा। सामूहिक मंत्र, सामूहिक व्यक्ति को बुलाएंगे चिल्ला चिल्ला के, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, तो कोई भी आ सकता है। तो पहले कोई भी आपके पास पहुँच सकता है जिसके अंदर आपकी मदद करने की उत्सुकता होगी, वह पहुँच जाएगा। उसी प्रकार मंत्र, अगर सामूहिक मंत्र का जप करोगे तो उस समय कोई भी आपके पास आ सकता है। और अगर पर्सनली कुछ व्यक्ति का मंत्र जप करोगे जो जिसमें आपको हानि नहीं है, तो उसमें वही देवता आएगा जिसको आप बुलाओगे। तो क्या होता है, जब सामूहिक व्यक्ति मंत्र जपता है तो उसमें कोई भी आ सकता है। वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा भी हो सकता है, कोई दारू पीने वाला आ गया तो वो दारू आपके शरीर में या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होकर दारू पिएगा ही पिएगा, मांस खाएगा ही खाएगा। अगर सात्विक साधना करोगे गुरु के सानिध्य में रह करके, जो गुरु ने सिद्ध किया है, गुरु मंत्र का विशेषज्ञ होता है, मंत्र में कौन सा देवता है और मंत्र कितने समय में आपको फलीभूत होगा, तमाम प्रकार की जानकारी जब व्यक्ति वो गुरु आपको देगा तब आप करोगे तो उसमें आपको हानि नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात यह कि कर्ण पिशाचिनी का समय में उसे जपने से वो पिशाच कभी भी आ सकता है। और जो है सिद्धवत मंत्र, जो शास्त्रीय प्रमाणित मंत्र हैं, उनको जपने से समय तो लगेगा, लेकिन अगर वो विद्या आएगी तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी प्राप्त कराएगी वो विद्या। तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप इस विद्या को सीखना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको कर्ण पिशाचिनी विद्या सिखा सकता हूँ। हमारे पास ये विद्या सिखाने के लिए एक निर्धारित समय है, इतने समय में विद्या सिखा देता हूँ। जैसे 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने में भी यह विद्या सीखी जाती है। जो 7 दिवसीय विद्या है उसमें केवल कान में आपको आवाज आएगी और यह विद्या कभी भी नष्ट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो 7 दिन में जो विद्या है केवल कान में आवाज आएगी और यह विद्या कभी भी नष्ट हो सकती है और सबका नहीं बता पाएगी जो 7 दिवस में सीखोगे। इसका एक कारण है, यह विद्या जब भी बताएगी जब आप 11 माला सुबह, मान लीजिए 7 दिन जप करके आप सिद्ध कर लेते हो, 11 माला सुबह जप करके जब जाओगे तो एक व्यक्ति के विषय में आप जानकारी बता सकते हो, या 7 दिन में जो विषय सिद्ध होती है उसकी खासियत। 11 दिन में भी ऐसा है, उनमें भी वो देवी प्रत्यक्ष नहीं आती है। 11 माला जप करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के विषय में बता दोगे। 21 दिन की साधना करोगे तो बहुत बता दोगे, तो 5 व्यक्ति के विषय में बता दोगे, तब भी 11 माला आपको जप करना पड़ेगा। 1 महीने की साधना करोगे तब भी आपको 11 माला जप करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 व्यक्ति के विषय में बता सकते हो। 2 महीने की साधना करोगे तब उसमें आपको केवल 1 माला करना पड़ेगा और आप 20 से 25 लोगों के विषय में बता सकते हो। देखिए कैसी पद्धति है,
ऊर्जा, मतलब कहते हैं ना कि जितना गुण डालोगे शरबत उतना ही मीठा होगा। 3 महीने की साधना करोगे उनमें भी आपको एक माला करने करना पड़ेगा प्रतिदिन, और आप 50 से 60 लोगों का एक दरबार चला सकते हो, बता सकते हो 3 महीने साधना करने के बाद। अगर आप 6 महीने साधना कर लेते हो फिर आपको कोई माला करने की आवश्यकता नहीं है, जितने चाहो उतने व्यक्तियों का एक दरबार लगा करके भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें फटाफट बताओगे। 6 महीने की साधना है उसमें भविष्य भी बताती है, 3 महीने तक वर्तमान काल की और भूतकाल की बातें बताती है, लेकिन 6 महीने जो साधक साधना करता है उससे जो पैसाचिक विद्या प्राप्त करता है उससे जो है वो सामने वाले के भविष्य तक भी बता सकता है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी कमी है, यहाँ भी है, वो कमी ये है कि दीपावली की रात्रि में रिवर्स करना पड़ेगा उस मंत्र को, फिर तभी आप बता, क्योंकि ऊर्जा नष्ट भी तो होती है। आप साल में बैठ कर दरबार लगाओगे, 100-200 लोगों का परसा बनाओगे, ऊर्जा नष्ट होती है। तो आप साल में एक बार उस विद्या का 10,000, 5,000 या ग्रहण में चार्ज करोगे, कहते हैं ना बैटरी चार्ज कर लोगे। जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी तब आप किसी भी व्यक्ति का फिर फटाफट वैसे ही भूत भविष्य वर्तमान बताइए। लेकिन एक विद्या और भी है, उसको कर लिए तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वो दिव्य विद्या है। आप कहीं भी बैठे बैठे किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के विषय में, इसे कहते हैं दूर श्रवण, दूर देखने की विद्या, वो 3 साल में प्राप्त होती है। 3 साल में अगर वो विद्या प्राप्त कर लिए फिर दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूर जाने की क्षमता, सब प्रकार की विद्याएं आती है। लेकिन उसमें बहुत कठिन मेहनत लगता है, वो हमें नहीं लगता कि विश्व में कोई होगा, और विश्व में कोई होगा भी तो वह समाज में नहीं आता है, क्योंकि ऐसी विद्या जब प्राप्त तो कर लिया व्यक्ति तो फिर उस डायरेक्ट पावर से जुड़ जाता है, और जब उस पावर से जुड़ गया तो अन्य पावर से क्या जुड़ना, ये सारी विद्याएं बस माल कमाने के लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति 7 दिन की 11 दिन की 1 महीने की 2 महीने की बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है उसको तो 6 महीने की विद्या प्राप्त करके अपन माल लूट रहा है समाज से, और जो 3 वर्ष तक तपस्या करके दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूर जाने की क्षमता लेता है, फिर उस जगत में क्या रखा है, वो तो भोजन रुपया पैसा यूं चिंतन करेगा यूं आएगा उसका, उसका क्या, पैसे की व्यक्ति क्या करता है, अच्छा वस्त्र पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा चलता है, तो वो खुद विवाह की आवश्यकता नहीं, शरीर जा सकता है कहीं के ज्ञान कुछ भी हासिल करता है, कुछ भी मंगा सकता है, तब यदि चलता फिर वो 5 स्टार होटल है, जब वो 5 स्टार होटल है तो उसे क्या जरूरत है कुछ करने की। तो ये ज्ञान आपको कैसा लगा और कमेंट विभाग में फटाफट कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।